हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होप सो यू ऑल आर गुड एंड आई एम फाइन एज वेल। बहुत सारे दिनों के बाद आज आपकी आपी ने फाइनली हिम्मत करके व्लॉग बनाना स्टार्ट कर ही दिया है। आई एम होपिंग कि व्लॉग को देख के आप बोर नहीं होंगे, इसलिए मैंने व्लॉग को छोटा बनाने की कोशिश की है। अच्छा जी, माय व्लॉग इज़ इनकम्प्लीट विदाउट शॉपिंग। शॉपिंग के बगैर मेरा जो व्लॉग है वो बिल्कुल अधूरा है। सो आई ट्राई कि मैं कुछ ना कुछ आपके साथ ऐड करती हूँ। यहाँ पे 30% ऑफ लगी हुई है। बहुत ही नेक्स्ट लेवल के जूते थे, बहुत ही खूबसूरत जूते थे। बट मी एज अ पर्सन, मैं कम्फर्टेबल शूज़ पहनना पसंद करती हूँ और मुझे जूतों के साथ कोई ख़ास लगाव है नहीं। लेकिन फिर भी मैं जब भी पहनती हूँ जूते, मैं कंफर्टेबल जूते पहनती हूँ जिसमें मैं रिलैक्स्ड हूँ, और मैं फ्लैट्स बिल्कुल भी नहीं पहनती। अच्छा जी, तो अब जाते हुए हमने लेना था एक अच्छा सा केक लेना था, तो यहाँ पे हम आए थे केक वगैरह देखने के लिए। अच्छा, ये एक शॉप थी जो कि सेंटोर्स के आई गेस 3rd फ्लोर पे थी, और यहाँ पे बहुत अच्छा डेकोर हुआ था और यहाँ के केक्स भी बहुत अच्छे थे। बट वी आर देसी पीप्स, तो हमें सिंपल सा राउंड सा चॉकलेट केक चाहिए था, हमें ब्राउनीज़ वगैरह नहीं चाहिए थी। तो उसके बाद मैं तहजीब वगैरह गई, वहाँ से मैंने अपना केक शेक लिया और हमारा नेक्स्ट स्टॉप जो है वो है डीप्लेक्स। अच्छा जी, तो लाहौर जाने से पहले मैंने सोचा मैं भी अपनी स्किन को थोड़ा पैम्पर कराऊं, मेरा रफ़ लुक ना आए और मैं अच्छी लगूं तो मैं फील भी अच्छा करूं। अच्छा जी, लड़कियों के लिए कलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, गोरा चिट्टा दिखना। बट व्हाट आई थिंक इज़ कि आपकी स्किन को क्लियर होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। सो यहाँ से हमारी जर्नी जो है वो स्टार्ट होती है इस्लामाबाद से लाहौर के लिए। अच्छा जी, लाहौर आके जो चीज़ सबसे पहले मेरे माइंड में आई वो थी कि मैं अपना रूम टूर ज़रूर कराऊंगी, क्योंकि मैं रूम टूर बहुत ज़्यादा शौक़ से देखती भी हूँ, इसलिए मैंने सोचा मेरी ऑडियंस भी शायद इस चीज़ को एंजॉय करे। तो ये था वो रूम जहाँ हम रह रहे थे।
कंफर्टेबल था, साथ ही वॉशरूम था, लिविंग रूम था, टीवी, फ्रिज सब कुछ अवेलेबल था, सो फैमिली के लिए एक अच्छा रूम था। आते साथ ही मैंने अपनी तैयारियां स्टार्ट कर दी थी क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक दिन था गुजारने को और हमने इसमें पूरा लाहौर देखना था जो कि पॉसिबल नहीं था। तो थोड़ी बहुत जगह है जो कि एक दिन में कवर अप हो सकती थी वो हमने देखी। बाकी मैं व्लॉगिंग भूल जाती थी बीच बीच में, फिर मुझे याद आती थी तो मैं कोई फुटेज बना लेती थी, उसके लिए माजरत। जितना भी कवर अप कर पाई वो आपके साथ शेयर करूँगी। इंशाल्लाह दोबारा भी जाएंगे लाहौर तो मैं आपके साथ मज़ीद व्लॉग्स जो है शेयर ज़रूर करूँगी। अच्छा जी, तो हम गए सबसे पहले पैकेजेस मॉल। लाहौर आए और पैकेजेस मॉल नहीं गए, ये नहीं हो सकता। दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम आई केम टू लाहौर और सबसे पहले मैं पैकेजेस मॉल गई। उसके बाद जी हमने मूवी देखी, मूवी हमने देखी मौला जट। अच्छा जी, अब यहाँ पे बहुत सारे सीन्स जो है कैप्चर करना मुझसे मिस हो गए हैं, बट स्टिल जो भी है मेरे पास वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ से जी हमने मंगवाए शेक्स, अपने लिए मंगवाए थे और मूवी देखने से पहले हमने शेक्स पिए। बाकी जो मूवी थी वो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी मूवी थी। अगर आप लोग भी देखना चाहें तो मैं आपको फुली रिकमेंड करूँगी, बहुत ही अच्छी मूवी थी। मूवी देखने के बाद हम लोग गए हवेली, गए वहाँ हमने खाना खाया, इन्जॉय किया। यकीन माने इंटायर डे में मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया हवेली में। वहाँ की रौनक और वहाँ पे लोग और वहाँ की जो माहौल था वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। पुराना लाहौर नए लाहौर से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। सो अगर आप भी कभी लाहौर आए तो पुराने लाहौर ज़रूर जाएँ।